नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आगरा को मेट्रो रेल परियोजना की जरूरत है और इसी तय समय में पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ललितपुर मामले पर अखिलेश यादव की बयानबाजी को घटिया राजनीति का उदाहरण बताया। डबल इंजन की सरकार का प्रयास है कि आगरा मेट्रो आगरा की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है और समयबद्ध तरीके से वह काम हो और समय से काम पूरा हो और जिससे आगरा वासियों को और आगरा आने वाले देश विदेश के हमारे जो पर्यटक हैं उनको भी सुविधा प्राप्त हो सके। और जो निर्धारित समय है मेट्रो को पूरा करने का, जैसा बताया गया अभी मुझे, उसके हिसाब से काम चल रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे ये समय से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी मेट्रो परियोजना आगरा की जनता को सौंपा। श्री अखिलेश जी का ये अधिकार है कि वो कोई भी चीज़ को तोल दें, लेकिन उनकी हार की जो बौखलाहट उसके कारण से कुछ ऐसे वो काम करते हैं जो मुझे लगता है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शोभायमान नहीं। कोई गलत करेगा तो यह अस्पष्ट संदेश है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे बख्शेगी नहीं। और मुकदमा लिख जा चुका है, जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, पूरा थाना सस्पेंड किया जा चुका है। उसके बाद घटिया राजनीति करना ये अखिलेश जी के और सपा की आदत। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार और आम जनता से जुड़ी सभी उपलब्धियों को विस्तार से बताया। इसी क्रम में मंत्री रामपुर जिला अस्पताल पहुंचे और वहां उन्होंने स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। झोले, बस्ते, जूता, मोजा सभी, और उसका स्वास्थ्य भी मजबूत हो और स्वस्थ हो, इसके लिए उस लाभार्थी को जन्म से लेकर और डिलीवरी पीरियड तक, मतलब उसको कैसे बच्चा स्वस्थ रहे, वाहन कैसे स्वस्थ रहे, इसकी भी चिंता हो रही है। और अब पानी की चिंता, यानी पानी में उसके घर पर स्वच्छ पानी और शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए गंभीरता से सरकार ने लिया है और प्रधानमंत्री की योजना घर तक पहुँचे। रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में मंत्री की बैठक के बाहर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मंत्री की बैठक के दौरान एसओ मिल एरिया सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे। कलेक्ट्रेट परिसर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही थी। उसी समय भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह मीटिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे। एसओ मिल एरिया ने उन्हें रोकने पर भाजपा किसान नेता ने अपना परिचय दिया। परिचय सुनकर एसओ मिल एरिया आपा खो बैठे और मीटिंग रूम के बाहर ही हंगामा शुरू हो। हमारा नाम है, भाजपा किसान नेता के नाम से जाना जाता हूँ। क्या हुआ यहाँ पे? अभी यहाँ पता लगा कि मंत्री जी आए हैं तो पत्रकारों ने हमको सूचना दिया आए तो एक मिल एरिया एसओ ने मुझे गाली देते हुए अभद्र भाषा का व्यवहार किया। वहाँ कहाँ तुम चले जा रहे हो, जबकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे जनता राजा होती है। हम अपने मंत्री से मिलने आए हैं तो ये हमको हड़का रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं। कौन है हड़का रहे? कोई मिल एरिया के एसओ हैं, कोई पंडित जी हैं। बताइए ये तमाशा इंस्पेक्टर होने का ये मतलब होता है? गुरुवार को संत परमहंस दास एक बार फिर आगरा के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन अयोध्या पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आचार्य परमहंस को आगरा जाने से रोका, जिसके बाद आचार्य परमहंस आमरण अनशन पर बैठ गए। सूचना मिलते ही अयोध्या के आरएम प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे, उन्होंने जूस पिलाकर आचार्य के अनशन खत्म कराए। 20 अप्रैल को आगरा के तेजो महालय गया था, लेकिन मुझे कहा गया कि आप भगवा पहने हैं इसलिए आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैं लौट आया, दूसरे दिन हमारे समर्थक वहां पहुंचे तो उनको एंट्री दी गई, जबकि उसमें कुछ लोग जो है धर्मदंड लेके गए थे वो भी गए। इसके बाद जो है एसआई चीफ ने मुझसे क्षमा मांगा, इनवाइट किया। फिर 3 मई को भगवान परशुराम की जयंती थी, इसलिए मैं जयंती के अवसर पर जब वहाँ पहुँचा तो प्रशासन हमको फिर नहीं जाने दिया और प्रशासन ने कहा ये दूसरी बार आपको जो है आप भगवा पहने हैं इसलिए मना किया जा रहा है, तीसरी बार यदि आप भगवा पहन करके अगर आ गए तो आपको तेजो महालय में हमेशा के लिए जाने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आप जा नहीं पाएंगे।
खबर फरीदाबाद से है, जहां पर बस स्टैंड के पास बने सालों पुराने अवैध ढाबे को नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया। ढाबा संचालक ने परिवार ने नगर निगम की टीम के सामने जमकर बवाल किया। आपको बता दें कि ढाबा लगभग 40 साल पुराना था। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा तो गांव वालों ने प्रेमी की जमकर पिटाई की, जिसके बाद प्रेमिका ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए ग्राम प्रधान की मदद ली। आपको बता दें कि देर रात युवक अपनी प्रेमिका से मिलने ईंट भट्टे पर पहुंचा। इसी दौरान ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, जिसके बाद गाँव वालों ने युवक की जमकर पिटाई की। सूचना पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने महिला की गुहार पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों प्रेमी युगल ने शादी कर ली। मॉडर्न भट्टे पकड़े गए थे तो क्या हुआ, ग्रामीणों ने कुछ कहा था? नहीं, तो पुलिस बुलवा दिए थे। तब कहाँ पर आए आप लोग? तो क्या कोई जोर दबाव डाला गया है? नहीं। थाना अध्यक्ष ने क्या कहा था शादी करने के लिए? थाना अध्यक्ष ने कोई सामंत परिजनों को बनवाया? तो आप लोग खुश हो? परिजन खुश हैं? तो आप लोग सहमत से शादी कर रहे हो? चंदौली में बारात के दौरान विवाद हो गया और विवाद इतना गहरा हो गया कि बात मारपीट पर आ गई और एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि हरौरा थाना क्षेत्र के सघा गांव का मामला है। घटना ये हुआ था कि जो दूल्हा था उसके पापा को पहले मारा गया डंडा से, और उसके बाद क्या नाम है वो छुड़ाने गया तो उसको क्या नाम है कि मारने लगे सब, तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, तो हम लोग से भी लड़ाई हुआ, सब पत्थर डंडे और चाकू से वार किए। अच्छा। और उसके पेट में चक्कू बोक दिए और वहाँ पे 40 मिनट तक हम लोग को रोके रहे कि ये क्या नाम है कि इसको रोहिन जाना है अभी, जब तक शादी नहीं हो जाएगा या कुछ भी, इसी तरह रुके थे सब। 40 मिनट बाद छोड़े, इसलिए आते आते डेट हो गया यहाँ पर। मामला गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां गांव के एक लापता किसान की लाश गन्ना के खेत में मिली। आपको बता दें कि किसान 28 अप्रैल से लापता था, जिसके बाद सुबह उसकी सड़ी गली लाश गांव के ही गन्ने के खेत में मिली। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये जो आज पतले में मर्डर हुआ है, ये कौन थे आपके और पूरी जानकारी इसकी दी? मेरा नाम अशोक है और जो मृतक मेरे चाचा हैं नेपाल से जी, और जो उनका डेड बॉडी मिली जी जी, अस्त व्यस्त उनका जो है डेड बॉडी थी और नेचुरल मौत नहीं हुई। और मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि इस केस में जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को जो है कुछ आर्थिक रूप से मदद। खबर गाजीपुर से है, जहां पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने हत्या के मामले में जानकारी देते हुए कहा कि 2 मई को चाकू मारकर आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी और मौके से फरार हो गया था। इसके बाद मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई थी। इसी के तहत पुलिस ने हाथ सफलता लगी है और आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।